तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ सवालों के बारे में बात करने वाले हैं जो स्टैटिक इक्विपमेंट से जुड़े हुए हैं, और ऐसे सवाल खास करके मैकेनिकल फोरमैन और मैकेनिकल सुपरवाइजर या फिर स्टैटिक फोरमैन या स्टैटिक सुपरवाइजर से इंटरव्यू के दौरान अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगर आप रिगर हैं या फिर किसी भी फील्ड में रिफाइनरी में काम करते हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको आपके काम से रिलेट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टैटिक इक्विपमेंट्स आर यूज्ड इन रिफाइनरी, यानी हम किन किन स्टैटिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल रिफाइनरी के अंदर करते हैं। या फिर क्लाइंट आपसे इसी सवाल को डायरेक्टली पूछ सकता है कि आपने किस किस स्टैटिक इक्विपमेंट में काम किया है। सो वी कैन सिंपली आंसर इट दैट वी यूज मोस्टली हीट एक्सचेंजर्स, डिस्टिलेशन कॉलम्स, वेसल्स, रिएक्टर्स, फिन फैन एयर कूलर्स, हीटर्स एंड कूलिंग टावर्स इन रिफाइनरी। अगर आपने रिफाइनरी में काम किया है तो आपको पता होगा, आपने देखा ही होगा। अगर नहीं भी किया है तो आप बता सकते हैं कि ज़्यादातर हम रिफाइनरी में हीट एक्सचेंजर, डिस्टिलेशन कॉलम या टावर, वेसल, रिएक्टर, फिन फैन एयर कूलर, हीटर और कूलिंग टावर्स का इस्तेमाल करते हैं। Our next question is, what are the parts of shell and tube heat exchanger? यानी shell और tube type के heat exchanger में कौन कौन से parts होते हैं? So our answer is very simple. The most common parts in shell and tube heat exchanger is shell, tubes, tube sheet, baffles, channel head, channel cover, floating head, back cover और shell cover. यानी जो भी मेन पार्ट्स होते हैं शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के, उसके बारे में आप बता सकते हैं, जैसे कि शेल, ट्यूब्स, ट्यूब शीट, बैफल, चैनल हेड, चैनल कवर, और जिसे हम कभी कभी बैक कवर भी कहते हैं या फिर शेल कवर भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम और टावर, यानी डिस्टिलेशन कॉलम या फिर टावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सो और वेरी सिंपल आंसर इज, द मोस्ट कॉमन पार्ट्स ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम आर शेल, ट्रे, ट्रे मैनवे, पैकिंग्स, डेमिस्टर पैड, डिस्ट्रीब्यूटर, वोर्टेक्स ब्रेकर, नोजल्स एंड शेल मैनवे। यानी कॉलम के जो भी मेन पार्ट्स होते हैं उसके नाम आप बता सकते हैं, जैसे कि शेल हो गया, जो कि पूरा टावर जिसे कहते हैं, वो एक तरह से जो उसका बाहर वाला जो पार्ट होता है वो शेल होता है। देन उसके अंदर ट्रे लगे होते हैं और एक ट्रे से दूसरे ट्रे में एक्सेस करने के लिए ट्रे मैनवे होते हैं। देन पैकिंग्स होता है, डेमिस्टर पैड होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वोर्टेक्स ब्रेकर होता है, नोजल्स लगे होते हैं, और सेल के अंदर एक्सेस करने के लिए जाने के लिए शेल मैनवे होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ हीटर, यानी आपसे हीटर के पार्ट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि हीटर में कौन कौन सा पार्ट्स होता है। सो सिंपली वी कैन आंसर इट दैट द मोस्ट कॉमन पार्ट्स ऑफ हीटर्स आर शेल, रेडिएशन ट्यूब, कन्वेक्शन ट्यूब, बर्नर असेंबली, शेल मैनवे, चिमनी और स्टैक, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग्स, आईडी फैन, एफडी फैन, एयर प्री हीटर्स एंड सूट ब्लोअर्स। यानी हीटर के जो मेन पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं, उनका नाम बता सकते हैं, जैसे कि जो शेल हो गया, जैसे कि जो हीटर का मेन पार्ट होता है वो शेल होता है, जिसके अंदर हीटिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद रेडिएशन ट्यूब होता है, कन्वेक्शन ट्यूब होता है, उसके बाद बर्नर असेंबली होते हैं, देन शेल का मैनवे होता है जिससे हम शेल के अंदर एक्सेस करते हैं, एंट्री करते हैं, देन चिमनी होता है जिससे हमारा फ्लू गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, देन रिफ्रैक्टरी लाइनिंग होती है, रिफ्रैक्टरी यूज किया जाता है ताकि हीट लॉस ना हो, देन आईडी फैन होता है, एफडी फैन होता है, एयर प्री हीटर्स होते हैं। इन सब के बारे में अगर जानना हो तो एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है जिसे आप देख सकते हैं ताकि इनको अच्छे से आप समझ सकें। सूट ब्लोअर होता है, ये एक्चुअली जो होते हैं आईडी फैन, एफडी फैन और एयर प्री हीटर्स, इनका इस्तेमाल हम एयर के फ्लो के लिए मोस्टली किया जाता है, एयर के सर्कुलेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि फायर के लिए
यानी आग जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो एक तरह से ये एयर सप्लाई भी करते हैं। और जो फ्लू गैसेस होती हैं, जो आग जलने के बाद जो हमारे पास एशेस बचती हैं, जो बाकी बेकार का धुआं वगैरह बचता है, उनको बाहर निकालने का भी काम करते हैं। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनआरवी, यानी एनआरवी का फंक्शन क्या है आपको बताना है। सो आवर आंसर इज, एनआरवी अलाउज फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिटर्न वाल्व। अर्थात एनआरवी का फंक्शन ये होता है कि ये किसी भी फ्लूड के फ्लो को एक डायरेक्शन में अलाउ करता है, यानी ये किसी भी फ्लो को वापस नहीं आने देता है, इसलिए इसे हम नॉन रिटर्न वाल्व भी कहते हैं। अगर आपको हमारे इस क्वेश्चन आंसर्स को समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो, अगर आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ें अभी मैंने ऊपर डिस्कस की उनको पिक्चर्स यानी फोटोज़ के द्वारा दिखा कर बताया जाए, तो आपको लगता है कि आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं, तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें कॉमेंट में ही बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी इसके आगे और भी हम बहुत सारी वीडियोज लाते रहेंगे, तब तक हमारी आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हो तो जाओ जाकर चैनल को एक बार अच्छे से एक्सप्लोर करो, विजिट करो, देखो। अगर आपके लायक और भी बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे मत करना। और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल वाला आइकन है उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आगे जो भी इससे रिलेटेड वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को मिस ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।